अपने ही भाई बहनों को, जो अपने ही उनके सगे संबंधी थे, उनको मार दिया था। गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम रनिंग बिकॉज आई हैव टू कैच अ ट्राम, और वो ट्राम लेनी है मेरे को जेरूसलम स्टेशन के लिए, बस स्टॉप के लिए एक्चुअली, और वहाँ से जो है मेरे को लेनी है डेड सी के लिए बस। ओके, मैं जा रहा हूँ आज डेड सी देखने के लिए, डिटेल आपको साथ साथ बताता रहूँगा, बने रहिए। तो इस तरह की एक ट्राम में बैठ के जाने वाला हूँ। टाइम हो चुका है 8:50 और 9 बजे की मेरी बस है। लुक्स इम्पॉसिबल कि मैं कैच कर पाऊंगा, बट एनीवेज आई एम स्टिल गोना ट्राई, लेट्स सी। चार मिनट है मेरे पास बस स्टैंड के अंदर जाने के और बस ढूंढने के, 486। ऑलराइट, बाय द वे अंदर घुसते हुए मेरे को रोक लिया था मेरा कैमरा देख के, उससे पूछा कि क्या है ये, फिर उसको बताना पड़ा कि भैया ये कैमरा है, थर्ड फ्लोर पे जाना है। उसी सिक्योरिटी वाले से मैंने पूछ लिया था कि कहाँ से जाना है, और थर्ड फ्लोर। More minutes left. नंबर यहाँ दिख रहे हैं, हिब्रू में लिखा हुआ था, समझ नहीं आया, बस ये लिखा हुआ है 4 नंबर। सो आई गेस 4 नंबर जो है वो 4 नंबर प्लेटफॉर्म होगा, ये रहा 486। लेट्स सी, जस्ट इन टाइम पहुंच गया मैं, चलने लगी है बस। एक अच्छी बात है कि इसके अंदर चार्ज करने के लिए सॉकेट लगे हुए हैं यूएसबी के। फ़ोन की बैटरी थोड़ी कम चल रही थी, सो एटलीस्ट थोड़ी बहुत चार्ज जाएगी जाते हैं। बस चल चुकी है ऑन टाइम। गाइस, 1.5 घंटे की बस राइड के बाद मैं पहुंच गया हूं मसादा नेशनल पार्क। ये डेड सी के रास्ते में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, हिस्टोरिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है इसराइल में, द मोस्टली विजिटेड प्लेस। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, जो बस की राइड थी वो बहुत ही बढ़िया थी, काफ़ी स्मूथ राइड थी, पर इट्स अ डेज़र्ट दोनों तरफ, ये पूरा डेजर्ट एरिया है, पहाड़ भी ब्राउन है, ज़मीन भी ब्राउन है, और घर और बिल्डिंग सब कुछ ब्राउन है। एक मैंने बहुत बड़ी गलती करी कि मैं पानी की बोतल अपनी घर भूल के आ गया, घर आई मीन हॉस्टल में। सो पानी यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो सकती है, बहुत गर्मी है इस टाइम, 45 डिग्री टेम्परेचर है, और यू आर नॉट रिकमेंडेड टू बी हेयर विदाउट वाटर, और मैं अपना पानी की बॉटल भूल के आ गया हूँ, बट आई एम होपिंग इट विल बी ओके, क्योंकि वहाँ पे जो बिल्डिंग है वो
विजिटर सेंटर है, सो मोस्ट लाइकली वहाँ मेरे को पानी मैं ख़रीद पाऊँगा। विजिटर सेंटर में अगर नहीं ख़रीद पाया था देन इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। बाकी ये दो लोग मेरे को और मिल गए रास्ते में जो यहीं उतरे हैं, तो होपफुली इनके पास पानी की बॉटल, अगर मेरे पास नहीं हुई तो इनसे मांग लूँगा और क्या होगा। ज़रा सा चलने में ही यहाँ पे वाट लग गई है, बहुत ही गर्मी है, एकदम लू चल रही है गर्म। तो दो लोग मिले हैं मेरे को, ये स्पेन से, इनको अंग्रेज़ी बिल्कुल बोलनी नहीं आती। यहाँ जा रहे हैं भाई, वाट लगी चुकी है ऑलरेडी, बहुत गर्मी है। यू हेयर बिफोर, फर्स्ट टाइम? नो, रिपीट। रिपीट जी। हाँ ओके। बाय द वे यहाँ पे आप टूर भी लेके आ सकते हो, बहुत सारी टूर बसेस है जेरूसलम से, टेल अवीव से। मैं पब्लिक बस पे आया हूँ और बस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे दोपहर के बाद 3 बजे के बाद बसेस चलती नहीं है। फ्राइडे 3 बजे से लेके सैटरडे शाम को सनसेट तक सब कुछ बंद है, तो आज बहुत ही एफिशिएंट होना पड़ेगा। अभी 10:41 हो गए हैं, सो ये मसादा देखने के बाद फटाफट यहाँ से भागना पड़ेगा, बस लेनी है डेड सी के लिए, 1-2 घंटे डेड सी पे बिताने हैं, फिर उसके बाद 3:30 बजे लास्ट वहाँ से बस है जेरूसलम की, वो लेनी है। तो काफ़ी टाइट मामला रहने वाला है। ऑलराइट, सो मसादा जो है बेसिकली एक हिल के ऊपर एक तरह का किला है, और वहाँ जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक तो वॉक करके जा सकते हो, दूसरा आप केबल कार ले सकते हो। वॉक इस समय बंद है क्योंकि गर्मी बहुत है, 45 डिग्रीज टेम्परेचर है बाहर, बहुत हॉट है, सो इसीलिए पैदल ना आप ऊपर जा सकते हो ना आप नीचे आ सकते हो, सो केबल कार इज़ दी ओनली ऑप्शन राइट नाउ। सो उसकी जो टिकट है वो 77 शेकल्स है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 30 कैनेडियन डॉलर्स, यानी 1500 रुपये आने जाने की। सो वही बस लेने के लिए लाइन में लगा हूँ अभी। इंग्लिश So second floor by the steps, okay. There is an introduction movie, after the movie cable car, and the next building outside here, there is a museum included. Do you know when is the next bus from here to Dead Sea Beach? You have here the line of all buses. Oh, okay. Okay, thank you. You're welcome. यहाँ पे एक विज़िटर सेंटर बना हुआ है, जो उसके साथ में यहाँ पे एक छोटी सी शॉप है जहाँ पे सुवनियर्स और पानी आपको मिल जाएगा। पानी मेरे को ज़रूर चाहिए, सो आई एम जस्ट गोइंग टू गेट द बिगेस्ट बॉटल जो इनके पास है। थैंक यू। ओके जी, 1.5 लीटर की पानी की बॉटल ले लिया जो सबसे बड़ी थी इनके पास। सेकेंड फ्लोर पे एक मूवी इंट्रोडक्शन है और उसके बाद केबल कार, और ऊपर जाके आपको सारी हिस्ट्री बताऊंगा, मसादा था क्या और क्यों, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। इंग्लिश? यस। गाइस स्पीक इंग्लिश? इंग्लिश। ओके, यस, या। सो दिस शी इज गोना स्टार्ट इन इंग्लिश देन। ओके, थैंक यू। However, in the movie, unlike real life, no one really deals with the dilemmas or personal struggles, and certainly not with the more problematic aspects of the story. Okay, movie देख लिया, अभी यहाँ पे wait कर रहे हैं cable car की, और cable car से जाएंगे on top of the Masada Mountain, जहाँ पे किला है Masada का, वो देखने के लिए।
Alright guys, मैं केबल कार से उतर गया हूँ और पहुँच गया हूँ ऊपर माउंटेन के ऊपर. आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री बता देता हूँ. सो आज से लगभग 2000 साल पहले, और उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा, रोमन एम्पायर ने जो जेरूसलम है उसके ऊपर हमला कर दिया था और उस पर कब्ज़ा कर लिया था. और उसके बाद हुआ क्या कि जेरूसलम, हम जहाँ पे हैं ये जेरूसलम से कुछ एक डेढ़ घंटा दूर है, वहाँ का जो उस टाइम का जो किंग था हेरोड द ग्रेट, उसने क्या किया, यहाँ पे इस माउंटेन के ऊपर प्लेटो पे अपना ये किला बनाया था. सो ये जो किला बनाया था उसके रिमेन्स यहाँ पे हैं, और उसके पीछे एक बहुत हीरोइक और ट्रेजिक स्टोरी है. वो ये है कि यहाँ पे कुछ 900 के लगभग ज्यूज ने आके शरण ली थी. तो एक किला बेसिकली इसीलिए बनाया गया था कि ताकि यहाँ पे आके उनको एक रिफ्यूज मिल सके. बाद में जो रोमन एम्पायर की जो आर्मी थी उन्होंने यहाँ पे भी हमला कर दिया. जब उन्होंने यहाँ पे हमला कर दिया, उनको काफ़ी दिन लगे इसके इस यहाँ तक पहुँचने में, और फिर जो है बेसिकली यहाँ की वॉल्स को तोड़ने में और अंदर घुसने में. जब तक वो अंदर घुसे, जब अंदर के लोगों को पूरा ये रियलाइज़ हो गया कि अब हम लोग बचेंगे नहीं और रोमन जो आर्मी है वो हमारे को या तो स्लेव बना लेगी या मार देगी, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी लेडीज़ और बच्चों को पहले मार दिया और फिर उसके बाद खुद को भी मार लिया. तो लगभग 900 ज्यूज थे, उन्होंने फ्रीडम से मरना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा राधर दैन कि रोमन आके उनके ऊपर कब्ज़ा कर लें और फिर उनको स्लेव करें. तो ये राइट नाउ दिस मसादा जो है ये नेशनल पार्क है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. तो ये जो अभी आपको दीवारें दिख रही हैं यहाँ पे, ये ओरिजिनल 2000 साल पुरानी है. इसमें से काफ़ी कुछ ओरिजिनल है, काफ़ी इन्होंने एक्सकेवेट किया. सो इस वजह से ये जो जगह है वो ज्यूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखती है. इतनी ज़्यादा रखती है कि पिछले कुछ टाइम से जो आर्मी के जो रिक्रूट होते हैं उनकी ट्रेनिंग के बाद जो उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है वो रात को हाइक करते हैं यहाँ पे, और सुबह सुबह जो है यहाँ पे फिर ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है उनकी. सो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट. उस पर काफ़ी मूवीज़ भी बन चुकी हैं, हॉलीवुड की मूवीज़ भी बन चुकी हैं. बेसिकली अभी मैंने एक जो गाइड था उसको बोलते हुए सुना कि एक्चुअली जो सारे लोग थे जो ज्यूज़ यहाँ पे रुके हुए थे, छुपे हुए थे, उन लोगों ने खुद अपने आप को नहीं मारा. बेसिकली 10 लोग चुने गए थे उन्हीं में से जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि हम आपस में ही सबको मार देंगे और रोमन के हाथ नहीं चढ़ेंगे. तो बेसिकली वो जो 10 लोग थे उन्होंने एक रात के अंदर, अंदाज़ा है कि 900 अपने ही भाई बहनों को, जो अपने ही उनके सगे संबंधी थे, उनको मार दिया था ताकि वो सब रोमन के हत्थे ना चढ़ें. इट्स वेरी हॉट, वेरी वेरी हॉट राइट नाउ. मुझे तो यही हैरानी हो रही है कि ये इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ लाए कैसे होंगे. ये भी हो सकता है कि खैर पहाड़ के ऊपर है, तो हो सकता है इसी पहाड़ को तोड़ के जो है ये पत्थर, बारूद वगैरह से उसको तोड़ के ये पत्थर निकाल के यहाँ पे ये बनाया गया हो, ये भी हो सकता है. बाकी हर रूम के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं ताकि लोग किसी तरह का नुकसान ना पहुँचाए रूम्स को. ओके, सो अब मैं पहुंच चुका हूं नॉर्दर्न पैलेस में. यहां पे एक्चुअली में जो किंग हेरोड द ग्रेट था वो रुकता था. आम पब्लिक जो थी वो पीछे किले में उस तरफ रुकती थी और किंग यहां पे रुकता था. सेफ्टी रीजंस की वजह से किंग जो है वो बाकी लोगों के साथ नहीं रुकता था. Thank you.
यहाँ जगह जगह पर लुकआउट भी बने हुए हैं, नीचे देखने के लिए व्यू बहुत ही अमेजिंग है यहाँ से। ये सब वो रूम्स हैं जहाँ पे किंग के जो मिनिस्टर और बॉडीगार्ड्स इन्हीं सब रूम्स में यार जो व्यू पॉइंट है इसके नीचे सब रहते थे। ये है राजा का गुसल खाना जहाँ पे जकूजी और सब कुछ हुआ करता था। वैसे भी इतनी गर्मी होने के बावजूद भी ये जगह बहुत ज़्यादा ठंडी है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड, और जिस तरह से डिज़ाइन बनाया गया है वही इसका रीज़न है। सो इसी वजह से जो राजा का बाथरूम है वो यहाँ बनाया गया था। वैसे तो हर रूम के बाहर इंफॉर्मेशनल डिस्प्ले है जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या चीज़ थी, बट बहुत से लोग यहाँ पे गाइडेड टूर्स भी लेते हैं। तो अगर तो आप टूर बस पे आ रहे हो तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ रहे हो तो फ्राइडे को ना आओ, क्योंकि सिर्फ आधा दिन ही फ्राइडे को बस चलती है। बाकी डेफिनेटली चाहे आप एक या डेढ़ घंटे के लिए आओ मेरी तरह, यहाँ पे आना डेफिनेटली वर्थ है, और आके देखना कि किस तरह से किला बना हुआ था और यू नो हिस्ट्री को समझना। आई थिंक आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मिस माई बस टू डेड सी। There is a big line for the cable car. बाकी एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि आप हैट और गॉगल्स और पानी ज़रूर लेके आना। मैं केबल कार से नीचे तो आ गया हूँ, बट जस्ट आई थिंक 30 सेकेंड या 1 मिनट से मैं लेट हो गया और मेरी बस सामने निकल गया। मेरे को 1 घंटा वेट करनी है अगली बस के लिए, क्योंकि ऊपर इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मैं अपनी तरफ से टाइम पे निकल गया लेकिन ऊपर बहुत भीड़ थी और टाइम पे नंबर आया नहीं केबल कार का। एनीवेज अब यहाँ पे वेट करने के लिए जगह है, छाँव में जाके बैठता हूँ 1 घंटा, और वो सामने जो दिख रहा है ना वहाँ जाना है मेरे को, वहाँ से वो बस स्टॉप पर वो मेरी बस जा रही है ऑलरेडी, अपने आपको दिख रही नहीं दिख रही हरे रंग की वहाँ पे थी। सो वहाँ जाना है मेरे को। एनीवेज आई विल गो एंड रेस्ट इन अ शेड फॉर अराउंड 1 आवर। Because by the way, यहाँ पे नीचे एक छोटा सा कैफेटेरिया, जब तक मैं वेट कर रहा हूँ अपनी बस के लिए, चीज़ें यहाँ पे सुपर डुपर एक्सपेंसिव हैं। लाइक दिस वन आइसक्रीम बार इज 300 रुपीज़।